नमस्ते, हूँ आदर्श हूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर यूनिट 10 पोएम स्ट्रेंज टॉक। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड अवर ग्रामर टॉपिक होमोफोन्स एंड देन वी हैड कंप्लीटेड वर्ब्स इज एम आर एंड देन हैव हैज हैड राइट। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर राइटिंग समथिंग मोर इन दिस यूनिट। ओके, तो आज हमें कंटिन्यू करना है विद राइटिंग सम लाइंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 164। आर यू रेडी? ओके, देन यू कैन सी वी हैव टू राइट सम लाइंस अबाउट माय पेट। माय पेट इट मींस आपने जो घर पे पेट रखे हैं उसके बारे में आपको 5 लाइंस राइट करनी है इन योर वर्ड्स। ओके, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे किसी को डॉग पसंद होगा, पपी, यस, किसी को कैट पसंद होगा, या फिर किसी को व्हाइट माउस भी पसंद होते हैं, किसी को बर्ड्स पसंद होते हैं, पैरट, राइट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं जो पेट के तौर पे आप घर पे रख सकते हो, यस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे होंगे भी, सही। Just you have to write 5 lines about your pet, right? It means my pet. Okay. तो चलो मैं आपको हेल्प करती हूँ और हमारी 5 lines कंप्लीट करते हैं। आप मैं पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करती हूँ अबाउट माई पेट, राइट? यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ हाउ टू राइट दिस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। टेक योर पेंसिल एंड रेडी टू राइट इट। ओके, सो माई फेवरेट पेट इज पपी। मुझे पपी बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होगा। कितने क्यूट और बहुत ही फ्लफी फ्लफी से होते हैं ना, यस। ओके, तो चलो मुझे मेरे घर पे पपी है, इट मींस मैं यहाँ पे मेरे पपी के बारे में लिखना चाहूंगी। आई हैव अ पपी, फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ पपी, पी यू डबल पी वाई, पपी। My first sentence is ready, okay? तो मैंने यहाँ पे पपी लिखा है। अगर आपके घर में पेट कैट है तो कैट लिख सकते हो, डॉग, बड़ा सा बिग डॉग है तो डॉग लिख सकते हो, पैरट है तो पैरट लिख सकते हो, जो आपके घर पे है वो लिख सकते हो, राइट? ओके, और किसी के घर पे नहीं है तो आप मेरा पैराग्राफ फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। हिज नेम, नाउ वी विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ माय पेट। मेरा जो पेट है पपी, अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगी आपके साथ, तो पहले हमें नेम बताना पड़ेगा ना, यस। तो आप बुला सकते हो मेरे पपी को उसी नेम से, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द नेम ऑफ माय पपी। हिज नेम, एन ए एम ई नेम इज with me
with me and my friend. FRIEND, friend, in the park. Now, the last line. His best friend. FRIEND. क्योंकि हमारे best friend होते हैं तो of course puppies के भी pets के भी best friend होंगे, right? तो हमें अब उसके best friend के बारे में लिखना है. Okay. His best friend is Bruno. जिसका name Bruno है उसका name मेरे puppy है ना, मेरा puppy Snoopy, उसका एक best friend है Bruno. Okay. A white cat who lives in our NAIGHBOUROUG neighborhood. His best is Bruno, a white cat who lives in our neighborhood. यानि कि हमारे जो पड़ोस में है ना, हमारे जो पड़ोसी नेबर होते हैं, yes, तो उनका एक कैट है जिसका नाम है ब्रूनो, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है मेरे पपी का, स्मर्फी का, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरे पपी को अच्छी तरह से पैराग्राफ राइटिंग से आपको बताया कि कैसा है मेरा स्मर्फी. आप भी आपके पप्पी के बारे में फाइव लाइन्स लिख सकते हो, राइट? ओके, सो नाउ प्लीज कंप्लीट दिस पैराग्राफ राइटिंग इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. नेक्स्ट इज अ लिटिल पोयम. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल एंजॉय दिस पोयम. यू कैन सी देयर इज अ वेरी क्यूट लिटिल पोयम. ओके ओके, वेट वेट. First of all, I would like to ask you a one question. Okay? Can you see this picture? This one? Yes. Which picture is this? Owl, right? Okay. तो आज हम owl के बारे में एक poem सीखने वाले हैं, जो हमारी book में है, right? Okay. So now, let's start our poem. So let's enjoy this poem. ओके, तो हम रीड करते जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी और हमें सिंगिंग भी तो करनी है, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पोयम. द वाइज ओल्ड आउल. यू कैन सी द पिक्चर. द वाइज ओल्ड आउल यानी कि बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड आउल. यस, जो बहुत ही स्मार्ट है, बुद्धिमान है, राइट? ओके, तो उसके बारे में पोयम है. पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर से देखते रहेंगे. ओके, अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन अ ऑक. अ वाइज ओल्ड आउल यानी कि बुद्धिमान आउल था, वो ऑक पे रहता था. यहाँ पे आप ट्री देख सकते हो. यस, ऑक इट मीन्स अ वन ट्री, राइट? एक ट्री है जिसका नेम ऑक है, राइट? द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक. द मोर यानी कि बहुत बहुत ज्यादा वो देखता है. सो इट मीन्स सी, वो देखता है. द मोर ही सो लेस ही स्पीक. बहुत ही कम बोलता है. क्या करता है? बहुत ज्यादा देखता है, राइट? लेकिन बहुत ही कम बोलता है. द लेस ही स्पॉक द मोर ही हियर. द लेस ही स्पॉक बहुत ही कम बोलता है, लेकिन द मोर ही हियर. द मोर ही हियर बहुत ज्यादा सुनता है. कौन? यस, अवर वाइज ओल्ड आउल. व्हाई कांट वी ऑल बी लाइक दैट वाइज ओल्ड बर्ड. क्यों ना हम भी उस वाइज ओल्ड आउल की तरह, उस बर्ड की तरह बन सकते नहीं है. कांट वी ऑल बी लाइक दैट वाइज ओल्ड बर्ड. क्यों ना हम ऐसे वाइज ओल्ड बर्ड की तरह बन सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज थी. कैसे क्वालिटीज थी? वो बहुत ज्यादा देखता था, लेकिन बहुत कम बोलता था, लेकिन बहुत कम बोलता था, लेकिन बहुत ज्यादा.
सुंदर था, यस, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ आवर वाइज आउल, राइट? ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम, नाउ वी हैव टू एंजॉय विद एक्शन, राइट? तो चलो बच्चों एक्शन करते हैं और हमारी पोयम एंजॉय करते हैं, राइट? आर यू रेडी? द वाइज ओल्ड आउल, अ वाइज ओल्ड आउल, चलो, अ वाइज ओल्ड आउल, द मोर ही सो, द वाइज ओल्ड आउल, अ मोर ही सो, द लेस ही स्पीक, यस, द मोर ही सो, द लेस ही स्पीक, द लेस ही स्पीक, द मोर ही हियर, यस, द लेस ही स्पीक, द मोर Thank you for joining us.